वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त और भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। अच्छा वीवर, जब मैं इंट्रो में मैं भी बोलूँ ना कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि उस दिन मैं अकेला हूँ, तो आज अकेला हूँ मैं। तो बेसिकली जब टाइम मिलता है तो आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। दो दिन टाइम तो खैर नहीं पास, माशाल्लाह बहुत अच्छा गेम होता है, इसे टाइम पास नहीं कहते। और तकरीबन कोई समझ लें डेढ़ हफ्ता हो गया, एक या डेढ़ हफ्ता या शायद इससे भी ज़्यादा, मैं भी इतने टाइम के बाद मैं दो दरिया एक बार फिर से आया। जा रहा था बीच में सुनहरा, सुनहरा का आपको पता है मज़ा नहीं है फ़िलहाल, किसी को मच्छी लग रही है किसी को नहीं लग रही है। अगर मिसाल के तौर पर 50 ढूंढे जा रहे हैं तो दो ढूंढों को मच्छी लग रही है और 48 ढूंढे वापस आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और मैक्सिमम ऐसा हो रहा है कि 5 ढूंढों को लग रहा होगा मच्छी। तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है इस टाइम पे, मतलब ना जाना मेरे ख्याल से बेहतर है फिर। तो जैसे ही इंशाल्लाह रिपोर्टें आना शुरू हो जाएगी तो फिर आसरा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग को रिपोर्टें देंगे बाकी, और कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी रिपोर्ट दें। फ़िलहाल दो दरिया पे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ की भी VIP रिपोर्ट बनाऊं और आप लोग को दिखाऊं। कंप्रोमाइज़ किया करें थोड़ा, आपको पता है कैचेस दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये होती है जब मच्छी लगती है बंदा तकड़ में होता है कि यार मच्छी निकालो, तो ऐसे टाइम पे कैमरा निकालना और वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, दूसरा बंदा हो साथ तो वो हो सकता है कि फिर कम्प्लीट वीडियो बन जाए, तो इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर डायरेक्ट फिशिंग पे, वीडियो में बने रहे। व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कपड़तान का साइज़ आप देख सकते हैं, ये देखें ये देखें। इससे पहले एक मैंने दंदिया निकाला है, आते ही मतलब जैसे ही बैठा हूँ पहला दंदिया, और माशाल्लाह ये कपड़तान साइज़ देख सकते हैं, ये देखें ठीक ठाक बड़े साइज़ का है माशाल्लाह से। ये अभी कैचवे पे आए, आटे का भी गेम खेलेंगे, थोड़ा पानी उतर जाए। और माशाल्लाह सॉरी झींगे पे, काले झींगे पे, काले झींगे का कमाल है देखें। और दंदिया भी आया है माशाल्लाह, अच्छे साइज़ का है, वो भी कूलर में रख दिया, दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, कोशिश करूंगा जैसे भी हो सके दिखाऊंगा। माशाल्लाह से अभी तक 3 दाने आए हैं, 2 दंडिए और एक बड़ा कपड़ता, अभी उतार लगा हुआ है लेकिन पानी थोड़ा सा तेज़ है ना, जैसे ही पानी थोड़ा स्लो होगा इंशाल्लाह गेम शुरू हो जाएगा। तो धूप ज़्यादा है और अच्छी खासी गर्मी है, धूप भी कड़क लग रही है, तो थोड़ा साइड पे आके बैठ गया हूँ, मैंने कहा चलें थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही पानी थोड़ा और नीचे जाएगा तो इंशाल्लाह फिर गेम शुरू होगा। ये मैं एक नए पत्थर पर गया था, एक अच्छा पत्थर था ये, वहाँ ढोरे बहुत ज़्यादा फंस रही थी लेकिन मच्छी अच्छा आ रहा था, साइज़ का आ रहा था और दोरे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने काफ़ी ट्राइयाँ की वहाँ पर, और ये 3 दाने वहीं से मारे, ये आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद जैसे ही पानी थोड़ा स्लो होगा इंशाल्लाह फिर गेम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक जो मैंने मच्छी मारी है वो देखें, ये देखें व्यूअर्स ये पकड़ी है अभी तक, ये 2 दंदिए माशाल्लाह अच्छे साइज़ के, कपड़तान भी अच्छा खासा बड़ा कपड़तान है, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये अभी तक मारी है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, पानी बहुत तेज़ है, थोड़ा सा रुकेगा इंशाल्लाह मज़ीद शिकार बेहतर होगा, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
और बाद में इसकी गिस्सर की ट्राई करेंगे। मैं इसको छोड़ ही दे, इसको पानी बिल्कुल उतरेगा, फिर कोशिश करेंगे कि गिस्सर की ट्राई भी करें अगर मौका मिला इंशाल्लाह। अच्छा व्यूवर्स, ये मेरी आज की रिपोर्ट है, ये चेक करें, ये दो छोटे दंदिए, ये कपड़तान का साइज़ देखें, ये देखें कपड़तान और दंदिए, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया है कि अच्छे साइज़ का दंदिया, बाकी ये दंदिए और इसके अलावा ये कपड़तान और ये माशाल्लाह आज की मेरी रिपोर्ट हो गई। अभी जा रहा हूँ, तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं आया था 1:30 बजे और अभी 4 बजे जा रहा हूँ। उतार का गेम सिर्फ खेलने आया था, माशाल्लाह अच्छा गेम हो गया, बेहतरीन हो गया। तो बस अभी रवा दवा होगा घर की तरफ। अच्छा व्यूअर, इसमें जो है मैंने कैचेस नहीं दिखा सका, बहुत मुश्किल होता है। देखें मैं सारा गीला हूँ, ये देखें टोटल गीला हो चुका हूँ और मैंने उस टाइम पर वीडियो लाइव की थी तो बिल्कुल चाल बंद हो गई थी। वैसे माशाल्लाह मच्छी अच्छा खा रहा था उतार पर, आखिरी उतार पे, जब उतार का पानी बिल्कुल छोटा रह जाए तो तब मच्छी जो है वो बहुत अच्छा खा रहा है। तो उस टाइम मैंने वीडियो लाइव कर दी थी, मैंने कहा चले कुछ आपको लाइव दिखा देते हैं, लेकिन उस इत्तेफाक की बात है कि लाइव तो बिल्कुल चाल होना ही बंद हो गई थी। हालांकि बैक टू बैक माशाल्लाह से हर डोर पर मच्छी आ रही थी, वो अभी भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन पानी इतना रफ हो गया है और उतार लगा पता ही नहीं चला कि चढ़ाव लग गया, और चढ़ाव भी अच्छा खासा हो चुका है। तो बस ये है कि ये आज की रिपोर्ट थी, अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया, जो टाइम था अपना वो गुज़र गया, अच्छा गुज़र गया। तो वीडियो को लाइक कर देना इंशाल्लाह, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कोशिश करते हैं कि जल्द मिले दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।